नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल की ओपीडी में घुसकर महिला चिकित्सक सहित अन्य चिकित्सक और सुरक्षा गार्डों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल करने वाले 20 युवकों में से 10 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। मामला शनिवार की देर रात का है, जब मारपीट में घायल एक व्यक्ति को लेकर प्रदीप कुशवाहा और भरत पटेल इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल पहुंचे थे। उस दौरान ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आकांक्षा मेहरा ने उन्हें अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन युवकों को इंतजार करना नाकवार गुजरा और उन्होंने डॉक्टर आकांक्षा मेहरा और अन्य डॉक्टरों के साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया। इन युवकों के 20 से ज्यादा साथियों ने चिकित्सकों और अस्पताल के सुरक्षा गार्डों के साथ जमकर मारपीट किया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित चिकित्सकों ने कड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और शेष आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की है और अन्य आपराधिक धाराएं भी दर्ज की गई है। इधर दूसरे पक्ष का आरोपी की नाइट ड्यूटी कर रहे डॉक्टर ने उन पर हमला किया और फिर उन्हें एक कमरे में बंद कर पीटा गया और इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस इस आरोपी की जाँच कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये घटना आई है सामने मेडिकल। हाँ हाँ, ये घटना ये है कि ये इनका बेटा है राज कुशवाहा, जो रामपुर में रहता है। रामपुर से घर की तरफ जा रहा था, तभी कुछ दो व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद राज कुशवाहा गोरखपुर थाने रिपोर्ट लिखवाने गया, रामपुर चौकी रिपोर्ट लिखाने गया। जब वहाँ से रिपोर्ट लिखवाया तो थाने वाले ने बोले इसका मुलाहजा होना ज़रूरी है, मगर थाने वाले उसका मुलाहजा नहीं करवाया, उसको पर्ची बना के दे दिए, बोले मेडिकल चले जा, वहाँ तुम्हारा मुलाहजा हो जाएगा। तो वो अपने दो तीन दोस्तों के साथ मेडिकल कॉलेज गया वहाँ अपना मुलाहजा कराने के लिए। पता चला वहाँ जो भी स्टाफ के हों, डॉक्टर हों, नर्स हों, तो उनके द्वारा राज कुशवाहा का इलाज नहीं किया गया। इनके साथ दो तीन व्यक्ति भी साथ में रहे, बोले इनको चोट लगी है, थाने वाले ने भेजा है कि आप खून बह रहा है, इनका इलाज करो। तो डॉक्टर साहब बोले अभी नहीं, थोड़ी देर रुको, काफ़ी खून इसका बह चुका रहा। तो इनके दोस्तों ने डॉक्टर साहब से निवेदन किया, मगर डॉक्टर साहब ने एक भी नहीं सुनी। फिर इसके साथ गाली गुप्तार करके भगा दिया। इनके दो तीन दोस्त रहे तो इन लोग ने बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इलाज करवाने के लिए, हमारा इलाज करो। तो डॉक्टर ने क्या किया, राज कुशवाहा और इनके दो तीन साथियों जो भी रहे इनको बंद करके वहीं कमरे में मारे, इनका इलाज भी नहीं किए, इनके भाई को भी मारे, इनके साथ जो दोस्त गए उनके साथ भी मारपीट की गई और इनका इलाज नहीं किया गया और इनको भगा दिया गया वहाँ से। फिर आधे घंटे बाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लोग झूठी रिपोर्ट गढ़ा थाने में किए हैं कि हमारे डॉक्टरों के द्वारा कुछ व्यक्ति आए हैं और मारपीट किए हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों द्वारा उनके साथ जो इलाज कराने गए डॉक्टरों ने उनको बंद करके मारा है और राज कुशवाहा और एवं उनके साथियों के खिलाफ गढ़ा थाने में झूठी कंप्लेन की है। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा, एडवोकेट, मैं सिटी नगर गुप्तेश्वर में रहता हूँ। सर, कल रात में मेडिकल अस्पताल में कोई विवाद हुआ है, डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई है, क्या है पूरा मामला? ये कल दिनांक 9/7/22 के रात्रि करीब 10 बजे के आसपास की बात है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मेडिकल में मारपीट हो गई है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र चौधरी, पिता कैलाश प्रसाद चौधरी निवासी गढ़ा पुरवा, जो मेडिकल डॉक्टर आकांक्षा मेहरा के द्वारा लिखित तहरीर लाकर पेश किया थाने में, जिसके आधार पर थाने में 353 की FIR लिखी गई है। धाराएं हैं 294, 332, 353, 186, 34 भादवी और धारा 3 मध्य प्रदेश चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम 2008। इन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो अभियुक्त हैं प्रदीप कुशवाहा और आकाश पटेल और उसके अन्य साथी हैं, जो कि मेडिकल के कैजुअल्टी वार्ड में घुसकर डॉक्टरों के साथ बदतमीजी किए, गाली गलौज किए, मारपीटी किए और जिस पर पुलिस के द्वारा संज्ञान लेकर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है पुलिस। सर, अभी कितने आरोपियों को चिन्हित करके उठाया गया है? अभी तक लगभग आठ आरोपी हैं जिनको पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है, जिस पर स्टेटमेंट लेकर के और आरोप के बारे में पता साझी करके अग्रिम विवेचना की जाएगी। अभी और भी हैं क्या इसमें? हाँ, इसमें कुछ और भी नाम सामने आ रहे हैं जिस पर आगे खुलासा किया जाएगा। आपका सब नाम? उप निरीक्षक विजय तिवारी।
ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।